हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज जो है ना, हम लोग अपनी ये ग्रेजुएशन की पहली क्लास कर रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ, अब ये जो क्लास है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की, अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये वो प्रिंसिपल्स हैं बच्चों जो कि ना तुम्हारे को जो है ना पूरा जो है ना इकोनॉमिक्स का काफी हद तक जो है ना इसमें कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और अभी से ना कुछ बहुत सारी चीजें आप ना रिलेट कर पाओगे, तो आपको ना समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आप इकोनॉमिक्स में आखिर कर क्या रहे हो। तो ये 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिससे कि आपका पूरा ग्रेजुएशन का कोर्स जो कि शुरू होता है, तो ये जो है ना आप थोड़ा सा ध्यान से करो, इसको कैजुअली मत करना, और इसी से जो है ना आगे आपका सारा बेस बनेगा। तो चलो शुरू कर। नाउ, अब हम क्या करेंगे, हम पहले जो है ना ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो है ना वो एक बार ना लिख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है ना धीरे धीरे जो है ना एक एक को समझना शुरू करेंगे। तो ये जो है ना, ये इतने सारी जो 10 इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, इनको क्या करते हैं कि हम लोग जो है ना तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो एक पहले जो सबसे बड़ा वाला, जो पहला वाला जो कैटेगरी है वो है हाउ पीपल मेक डिसीजंस। नाउ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डिसीजंस कैसे लेते हैं। मतलब अगर आप सपोज करो मार्केट जाते हो, तो अगर आपको डिसीजन लेना है कि मैं ये शर्ट खरीदूं या ये पैंट खरीदूं, या इस शर्ट के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनाऊं पैंट का, या अगर मेरे को सब्जी लेनी है तो मेरे को घिया लेनी है नहीं लेनी है, तो किस बेसिस पे लोग जो है ना वो डिसीजंस लेते हैं। तो जो 10 प्रिंसिपल्स है उसमें एक जो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो उनकी, उन प्रिंसिपल्स की है, उन रूल्स की। प्रिंसिपल्स का मतलब रूल्स, वो रेगुलेशन जो कि नॉर्मली हमारे को एहसास भी नहीं होता कि हम लोग उनको कैसे फॉलो करें, बिकॉज इट इज इनबिल्ट इन आवर माइंड। वो हमारे माइंड के अंदर इनबिल्ट हुआ है और हम लोग बचपन से उसको करते हैं, तो हमारे को एहसास ही नहीं है। अब हम उन्हीं जो है ना रेगुलेशंस को, उन्हीं रूल्स को जो है ना अब जो है ना हम फॉलो करना शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, तीन जो है वो है उसके ऊपर, ये है हाउ पीपल इंटरैक्ट। नाउ देखो, फर्क क्या है? ये है कि इंडिविजुअली हर इंसान आप अपने आप में कैसे कोई डिसीजन ले रहा है अपने लिए। ये वाले हैं कि लोग अपने लिए कैसे डिसीजंस लेते हैं कि उसको कितना खरीदना है, क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, कब खाना है, कितने में अच्छा लगेगा उसको, कितना प्राइस उसको देना है, कितना प्राइस उसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या कब उसको स्टॉप कर देना चाहिए, अब उसको और नहीं खाने का मन है। तो ये जिसमें कि वो डिसीजन सारे अपने लिए ले रहे हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है कि लोग आपस में कैसे जो है एक दूसरे के साथ जो है बिजनेस करते हैं, ये ट्रेड करते हैं, ठीक है। देखो, सोशल बिहेवियर की बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक बिहेवियर की, कि जब हमारे को किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना होता है या किसी के साथ इकोनॉमिक इंटरेक्शन करनी होती है, हमारे को जो है उसके साथ कोई ट्रेड करना है, कोई खरीद बेच करनी है, तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है हम लोग खरीद बेच करते हैं, हम लोग क्या इंटरेक्शन रखते हैं। तो नेक्स्ट 3 प्रिंसिपल्स जो है वो उसके ऊपर है, ठीक है। एंड फाइनली जो नेक्स्ट 3 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, ये वाले हैं हाउ द इकोनॉमी एज अ होल फंक्शंस, कि पूरी की पूरी इकोनॉमी। नाउ, अगर आपने जो है मेरी एक पहले वीडियो देखी हो, तो उस वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली सबसे पहले यही बात करी है कि आखिर एक इकोनॉमी होती क्या है, ठीक है। तो आप जो है उस वीडियो को, जिन बच्चों को थोड़ा सा 11th क्लास के कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, तो मेरी 11th क्लास की एक वीडियो है जिसमें कि मैंने प्रॉपर इकोनॉमी के बारे में बात करी कि इकोनॉमी क्या है। यहाँ पे फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा एक रिवाइज कर देती हूँ कि इकोनॉमी कुछ नहीं होती। हर देश जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ देश ही नहीं, कोई जगह, कोई एरिया, कोई स्टेट, कोई यू नो डिस्ट्रिक्ट, कुछ भी हो सकता है, अगर हम लोग उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, पर उसमें हम लोग उसकी हिस्ट्री, उसकी यू नो ज्योग्राफी, हमारे को उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इससे मतलब नहीं है, बल्कि मतलब है वहाँ की लोगों की इनकम कैसी है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं, वहाँ पे लोगों का रोजगार कैसे है, वहाँ की लोगों की इनकम कितनी ज़्यादा है या इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों की डेवलपमेंट, वहाँ पे लोगों के पास फैसिलिटीज है नहीं, तो अगर वहाँ पे लोगों का टैक्स कैसे, पॉलिसी कैसे है, उनके पास सेविंग्स है नहीं, तो अगर इस तरह की हम लोग बातें कर रहे हैं तो उसी देश को, उसी जगह को, इसी डिस्ट्रिक्ट को हम लोग क्या है इकोनॉमी बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अगर अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्लास 11th की जो है ना मेरी वो वीडियो जो है ना वो देख लेना, तो व्हाट इज एन इकोनॉमी, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
चलो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन 10 के 10 को जो है ना एक एक करके लेंगे। तो इस वीडियो में ऑब्वियसली हम लोग 10 के 10 तो नहीं ले सकते, तो इस वीडियो में हमारा जो फोकस है वो पहले 4, ये वाले जो 4 है जिसमें कि हाउ पीपल मेक डिसीजंस, उसके ऊपर जो है हमारा फोकस है। तो हम लोग पहले इन 4 को डिस्कस करेंगे। चलो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट वन। सबसे पहला पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स। नाउ और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है ट्रेड ऑफ। नाउ अब आपने ना एक चीज समझने की कोशिश करनी है कि ना आपको हर चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी अगर आप उसका ना नाम बहुत ध्यान से समझो। ये यहीं पे मैंने देखा कि बच्चे अधिकतर जो है ना जो गलती करते हैं कि वो सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, आधा जो इकोनॉमिक जो कॉन्सेप्ट होता है ना, आधा जो टर्म का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके नाम के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ट्रेड ऑफ, ट्रेड का मतलब आप खुद सोचो ट्रेड का क्या मतलब होता है। आप खुद दिमाग लगाने की कोशिश करो ट्रेड का क्या मतलब होता है। ट्रेड का मतलब आपने कई बार देखा होगा, ट्रेड का मतलब होता है खरीद बेच, लेन देन, ठीक है ना, आदान प्रदान। तो कुछ उसी से रिलेटेड है कि पीपल फेस ट्रेड ऑफ, लोग जो है ट्रेड ऑफ फेस करते हैं। फेस करते हैं मतलब उनको जो है ये इसका सामना करना पड़ता है लेन देन का, या मतलब उनको बेसिकली दो अलग अलग चीजों में से एक का डिसीजन लेना पड़ता है। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि उनके सामने जो है ना हर वक्त जो है एक सिचुएशन होती है कि उनको एक डिसीजन लेना पड़ता है। नाउ इसको जो है ना एक चीज और तरह से कहते हैं, जिसको कहते हैं नो फ्री लंचेस। लुक एट द टर्म नो। नो का मतलब है कि नहीं, मुफ्त के लंच आपको, मुफ्त का खाना आपको कोई भी नहीं देगा। नो फ्री लंच, फ्री में लंच आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मुफ्त का खाना आपको कोई भी नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि हर वक्त हर इंसान को कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ेगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड ऑफ, कि आपको एक चीज लेने के लिए कुछ चीज देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको पता हो तो विराट कोहली ये बात हमेशा कहते हैं दैट टू गेन समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। मैं इसको रब कर देती हूँ कि टू गेन समथिंग मतलब कि कुछ पाने के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ खोना पड़ता। तो दैट इज ऑल्सो अ ट्रेड ऑफ, कि आपको कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ, आपका कुछ खर्चा नहीं हुआ और आपको वो चीज मिल गई। हर चीज अगर आपने लेनी है, आपने कुछ भी लेना है, ठीक है, उसके लिए बदले में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो अगर जैसे कि विराट कोहली बार बार ये बात कहते हैं, तो मतलब क्या कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप जैसे क्रिकेट में ही आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये नहीं कि आप आराम से बिस्तर पर सोते रहोगे और जो है ना आपको आराम से आपके छक्के चौके लगते रहेंगे। आपको बदले में अपनी मेहनत देनी पड़ेगी, अपना डिटर्मिनेशन देना पड़ेगा, अपनी डेडिकेशन देनी पड़ेगी। तो विराट कोहली के यू नो चौके छक्के सबको दिखाई देते हैं, पर और अगर वो आउट हो जाता है कभी जल्दी तो हर एक को गुस्सा भी आता है, पर बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि विराट कोहली रात के 10 बजे के बाद चाहे बाकी सब कितने बड़े पार्टी करते रहे वो सीधा अपने घर जाते हैं और खाना खा के सो जाते हैं। एंड सुबह 4 बजे जब बाकी लोग अपने पार्टी करके घर कमरे में जा रहे थे या घर जा रहे थे, वो उस वक्त चाहे सर्दी हो चाहे जो मर्जी 4 बजे उठकर जो है ना अपना पूरा जो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो अपना फॉलो करते। तो बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रेजीम फॉलो करते हैं। उनके रेजीम के बारे में तो उनके जो प्लेयर्स हैं, जो फेलो प्लेयर्स है, वो भी मानते हैं। ठीक है, तो यही मतलब होता है ट्रेड ऑफ का, कि हमारे को कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलती, कुछ भी चीज हमारे को गेन करना है उसके लिए हमारे को कुछ ना कुछ जो है वो खोना पड़ेगा। चाहे वो अपनी नींद खोनी पड़े, चाहे वो अपने आराम खोना पड़े, चाहे वो अपने पैसे खोना पड़े। अगर ज्यादा कुछ लग्जरी खरीदे तो हमको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये मतलब होता है पीपल फेस ट्रेड ऑफ। और ये इसलिए है क्योंकि हर चीज जो है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि आपको सारी चीजें इकट्ठी नहीं मिल सकती। एक चीज मिलेगी तो बदले में दूसरी चीज आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी। सब कुछ आपको इकट्ठा नहीं मिलेगा। अगर आपको ये नहीं कि आपके चौके छक्के भी लग रहे हैं और आपको आराम भी मिल रहा है, नहीं, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फील्ड पे भागना पड़ेगा। तो हर चीज एक ही चीज एट अ टाइम हो सकती है। और यही सबसे पहला जो है लोगों का है कि वो लोग कैसे डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए जो फर्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है जो कि उसके अंडर आता है कि पीपल जो है हाउ पीपल मेक डिसीजंस, कि हर वक्त जब भी इंसान डिसीजन लेता है। और ये आपने 11th क्लास में भी जब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी करी थी, आपने स्केयर्स रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा था कि किस तरह से हमारे पास स्केयर्स रिसोर्सेज होते हैं और हमारे को हर वक्त डिसीजन लेना होता है। क्योंकि अगर एक चीज हमारी गलती हो गई, क्योंकि हमारे को कुछ भी लेने के लिए हमारे को कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा अगर हमारा एक भी डिसीजन गलत हो जाए। तो हमारे
को बहुत सोच समझ के जो है हर डिसीजन लेना होता है, ठीक है। चलो तो आई एम क्वाइट श्योर कि ये जो है ना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई खास मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल, पीपल फेस ट्रेड ऑफ, ठीक है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ट्रेड ऑफ की वजह से ही लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है, अगर ट्रेड ऑफ ही ना हो तो ऑब्वियसली डिसीजन लेने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कुछ नुकसान आपका हो नहीं रहा, कुछ खो आप रहे नहीं हो, और दूसरी चीज बहुत आसानी से मिल रही है, तो फिर तो डिसीजन क्या लेने, फिर तो पता है ठीक है ले ही लो। अगर आपको मुफ्त में हर जगह लंच मिल रहा है, मुफ्त में जो है हर जगह शॉपिंग मिल रही है, आपको कुछ खो तो रहे नहीं हो, तो हर चीज आपको मिले जा रही, तो फिर डिसीजन तो कुछ लेना ही नहीं है। डिसीजन का लेने का वजह ही यही है क्योंकि आपको ये पता है कि अगर आप एक चीज जो है वो लेते हो, आपको कुछ ना कुछ बदले में उसके देना पड़ेगा, चाहे अपने पैसे दो, चाहे आप आराम दो, चाहे जो मर्जी दो, या अपने जो है स्केयर्स रिसोर्सेज खो, अपने इकोनॉमी के दम पे, इकोनॉमी की बात करें तो स्केयर्स रिसोर्सेज हमारे खत्म हो जाते हैं अगर हम कुछ चीज बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी बात करें तो हमारे को अपना कुछ बदले में त्याग करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज आई एम श्योर बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है, इसमें कोई खास कुछ डिफिकल्ट चीजें नहीं है, पर ये सारी प्रिंसिपल्स अगर आपको क्लियर होते जाएंगे ना तो आगे आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसी में, इसी कैटेगरी में, हाउ पीपल मेक डिसीजंस की कैटेगरी में जो सेकंड वाला है वो है द कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट, मतलब कि अगर तुम्हारे को कोई चीज चाहिए, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो लागत है, उसका जो खर्चा आपको लगता है, वो हम लोग नॉर्मली खर्चे को सिर्फ पैसे से खर्चा गिनते हैं, बट इकोनॉमिक्स जो है खर्चे के बहुत बियॉन्ड चलता है, ठीक है। वो जो खर्चे का जो है वो अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है, वो जो आपका प्रॉपर अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है कि ये चीज बनाई इसमें कितना खर्चा हो गया, सिर्फ मनी 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 इज टोटली अकाउंट्स, बट इकोनॉमिक्स में हम लोग उसके बहुत आगे जाते हैं। हम लोग जो है हम कहते हैं कि जब भी हमारे को कुछ चीज लेनी पड़े तो हमारे को बदले में जब कुछ देना होता है तो वो क्या देना होता है कि वो चीजें जो कि आप दे रहे हो। अब नाउ ये जो दे रहे हो ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पैसा ही हो, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी विराट कोहली का एग्जांपल लिया, तो विराट कोहली का एग्जांपल में अगर उसको कुछ लेना है, जो वो ले रहा है उसके बदले में जो उसका खर्चा लग रहा है, उसका खर्चा जो है वो पैसे नहीं लग रहे, उसका खर्चा उसकी मेहनत लग रही है, उसका खर्चा जो है उसका आराम लग रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग दो डिफरेंट तरह के खर्चे कंसिडर करते हैं। कॉस्ट जो है वो दो तरह की होती है, वन इज एक्चुअल जो कि डायरेक्ट खर्चा जो कि हमारे को दिख रहा है एक्सपेंडिचर, ठीक है, पर बहुत बार हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं लगता, बहुत बार हमारा जो है सिर्फ मेहनत लग रही है, हमारा एफर्ट लग रहा है। अब आप जो है अगर आपको सपोज अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये तो पहले प्रिंसिपल से क्लियर है कि वो मार्क्स अपने आपको आसानी से नहीं मिलेंगे, बदले में जो है आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। नाउ जब आप देते हो वो क्या दे रहे हो, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, ये जो सेकंड प्रिंसिपल है कि वो चीज क्या दे रहे हो, तो वो क्या देने में सिर्फ पैसा नहीं आता कि आपको कॉलेज की फीस पड़ गई, आपको कैरियर बनाना है, कैरियर आप चाहते हो तो बदले में आपको बस कॉलेज की फीस दे दी, नहीं, उसके लिए आपको हो सकता है कहीं पे पेइंग गेस्ट भी लेके रहना पड़े, आपको खाने का खर्चा भी लगेगा, आपको रोज सुबह उठना पड़ेगा, प्रॉब्ली उस टाइम पे आप जिम कर सकते थे, उस टाइम पे आप अपनी कोई हॉबी कर सकते थे, पर आपको वो सारा कुछ त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में ये जो सारा त्याग आप करते हो, जो मेहनत आप कर रहे हो, जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, सिर्फ मनी नहीं, सारा कुछ जो त्याग आप कर रहे हो, जो सारा कुछ जो आप खर्चा कर रहे हो, वो सारा कुछ इंक्लूड होता है। तो यही चीज यहाँ पे इस प्रिंसिपल में कही गई है, द कॉस्ट ऑफ समथिंग, तो किसी चीज को पाने की जो कॉस्ट होती है, जो खर्चा होता है, ये मैं रब कर देती हूँ, थोड़ा ज्यादा मैसी कर दिया मैंने, तो किसी भी चीज को पाने का जो खर्चा होता है, द कॉस्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज को पाने का जो खर्चा है वो क्या है, इज व्हाट यू गिव अप, वो चीज है जो कि आप देते हो, जो कि आप छोड़ देते हो, जो कि आप जाने देते हो, जो कि आपको देना पड़ता है, ठीक है, वो है। और वो उसमें दो चीजें आती है, वन एक मनी एक्सपेंडिचर और दूसरा है इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर। इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर वो है जिसकी कि एक्चुअल खर्चा नहीं हो रहा पर हमारे को उसकी वैल्यू लगानी पड़ती है,
अगर आपको सपोज करो कि अगर सपोज आप बहुत मेहनत करके से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, एक साल का ड्रॉप ईयर लेके ग्रेजुएशन के बाद, अब आपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में अब आप आ गए हो, तो अभी आप हो सकता है कुछ ना कुछ जो है अब आपका कोई ना कोई दिमाग में कैरियर तो आपका होगा, तो हो सकता है अब आप जो है ना वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू कर दोगे। हो सकता है ग्रेजुएशन के बाद आप ड्रॉप ईयर लो और उसका कोई कोर्स ज्वाइन करो, तो वो जो कोर्स की फीस है वो तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो गया, और जो आप दे रहे हो, जो आपको और मेहनत लग रही है उसके अलावा, उस एक साल में हो सकता है आप कहीं नौकरी कर सकते थे, आपकी कमाई हो सकती थी, तो वो भी सारा जो है वो लगेगा। सो उसको हम लोग वैल्यू काउंट करते हैं, तो उसका इम्प्यूटेड खर्चा लगाते हैं, उसकी वैल्यू काउंट करते हैं कि आपने कितना जो है नुकसान करा है अपना खुद का, कि आपने वो सैलरी नहीं लिया, आपने वो काम नहीं करा, ठीक है ना। और इन्हीं दोनों को मिलाकर, ठीक है, अगर मैं ये सारा रब कर दूं, तो इन्हीं दोनों को मिला के हम लोग जो टोटल खर्चा होता है उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसीलिए हमारा जो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, जो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अकाउंट्स में आपका सिर्फ ये वाला एक्सपेंडिचर लेंगे। अगर मैं इसको रब करूँ थोड़ा सा, जो है ये मैंने जो गंद मचा दिया है यहाँ पे, दो मिनट रुको, ठीक है। अगर आप अकाउंट्स की बात करेंगे तो अकाउंट्स में सिर्फ जो है आपका ये वाला खर्चा लेंगे जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, सिर्फ ये वाला खर्चा। बट इकोनॉमिक्स उसके बहुत बियॉन्ड चलता है, बहुत आगे चलता है, उसमें जो है एक और खर्चा लेंगे जो कि और बहुत सारे हिडन एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि आपको एहसास भी नहीं होते। आपके जो तकलीफ आप सह रहे हो या जो लेजर टाइम है उस टाइम पे आप, मतलब उस जो मेहनत का टाइम है जो कि आप यू नो मिस कर रहे हो, उसमें आप कुछ और कर सकते थे, आप सो सकते थे, आप टीवी देख सकते थे, आप जिम जा सकते थे, तो उन सब की भी क्या वैल्यू है, या आप नौकरी कर सकते थे तो उन सब की आपके मन में क्या कीमत है, उसको एक कीमत लगाने के डिफरेंट तरीके होते हैं। अब कैसे कीमत लगाई जाती है फिलहाल आप छोड़ दो, वो बात की बात है, ठीक है, वो आप हायर लेवल पे अपने आप स्टडी कर लोगे, ठीक है। इन दोनों तरह के खर्चों को मिला के जो है हमारा आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप, कुछ चीज देने का कितना दुख हो रहा है, कितना तुम्हारा यू नो कितना तुम्हें देना पड़ रहा है, उसका कितना, उसकी क्या लागत है, उसका क्या वैल्यू है, इट इज द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं मिटा देती हूँ उसको यहाँ पे, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, या फिर और द कॉस्ट ऑफ चूजिंग एन एक्शन, या फिर आपने कोई एक्शन चूज करा कि भाई मैं तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा, ठीक है, उसमें आपने जो एक्शन लिया या जो डिसीजन आपने लिया उसकी वजह से आपके ऊपर क्या बर्डन पड़ रहा है, चाहे वो पैसे का बर्डन है, चाहे वो टाइम का बर्डन है, चाहे वो मेहनत का बर्डन है, कुछ भी है। तो हमारा पहला प्रिंसिपल क्या था, कि कुछ भी पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। सेकंड प्रिंसिपल क्या है, कि वो क्या चीज है जो देनी पड़ती है, वो सारा का सारा खर्चा है जो कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, हर वो चीज है, सिर्फ पैसे नहीं, मेहनत, टाइम, जो भी कुछ आप लूज कर रहे हो वो सारा कुछ आपको देना पड़ता है, और उसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ टेकिंग एन एक्शन एंड टेकिंग अ डिसीजन, कि आपने एक डिसीजन ले लिया। अब आप अगर आपको याद हो तो अब आप धोनी की मूवी याद करो, तो धोनी मूवी में अगर आपको याद हो तो एक टाइम पे ये भी दिखाते हैं कि धोनी जो है वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है, जब उसके बीच में जो है रेलवे की नौकरी लग गई थी, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता, तो उस वक्त वो कंफ्यूज होता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि उसको रेलवे की नौकरी में मजा नहीं आ रहा होता, वो मन भटक रहा होता है क्रिकेट की तरफ, तो एक दिन छोड़कर जो है ना वो चला ही जाता है। तो जब वो चला जाता है क्रिकेट खेलने के लिए, तो वो क्या उस वक्त लूज कर रहा है, वो रेलवे की नौकरी की तनख्वाह, हर महीने जो उसको तनख्वाह मिलती थी, वो बात अलग है कि बाद में वो रिकवर मोर देन टाइम 100 times रिकवर हो गई है, बट उस टाइम पे तो नहीं पता था ना। तो उस टाइम पे जब वो सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है दोनों ही, तो क्या वो लूज कर रहा है, वो सारी जो तनख्वाह या सारी जो प्रमोशन या जो भी उसको आगे कैरियर सक्सेस मिल सकती थी रेलवेज में, वो सारी उसकी लूज हुई। तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। चलो, तो इसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक और तरीके से बोलते हैं, इट्स दी वैल्यू ऑफ द रिसोर्स, उसी चीज की क्या कीमत है
इन द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज. तो अगर धोनी की बात करें तो धोनी का नेक्स्ट क्रिकेट के नेक्स्ट जो नेक्स्ट बेस्ट यूज क्या था, नेक्स्ट बेस्ट उसका जो काम था जिसमें कि वो कर सकता था वो था रेलवे की नौकरी, ठीक है ना. तो वहां पे उसको कितनी सैलरी मिल सकती थी वो भी वो, इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट करते हैं. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कि नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव में कितना जो है उनको मिल सकता था. जैसे कि आप बहुत सारे स्टार्स को भी देखोगे तो बहुत सारे स्टार्स से बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अगर हम क्रिकेट में अगर सॉरी हम लोग एक्टिंग में अगर नहीं आते तो हम लोग जो है आज ये बने हुए होते या आज लॉयर बने हुए होते, मुझे तो डॉक्टर बनना था, मुझे ये. तो वो एक्टर बनने के लिए उन्होंने जो डॉक्टर की जो इनकम खोई है दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कि नेक्स्ट बेस्ट उनके पास ऑप्शन क्या था, आपने जो है एक एक्टिंग का डिसीजन लिया उसके बदले में आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, ठीक है. चलो लेट्स मूव अहेड. उसके बाद है थर्ड. नाउ दिस इज अ बिट ट्रिकी. थर्ड इज रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन. रैशनल लोग वो होते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं रैशनल लोग. रैशनल लोग वो होते हैं जो कि जिनको कि यू नो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं रैशनल. रैशनल का मतलब होता है सुलझे हुए लोग, ठीक है. तो हम लोग जब भी कोई प्रिंसिपल या डिसीजन के बारे में बात करते हैं वो सुलझे हुए लोगों का माइंड में ही सोच कर चलते हैं कि वो इंसान जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं या हम उसके लिए कुछ यू नो डिस्कशन कर रहे हैं या उसके लिए कोई थ्योरी बना रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि वो पागल नहीं है, वो एक समझदार सुलझा हुआ इंसान है. और सुलझा हुआ इंसान, समझदार इंसान का मतलब क्या है कि वो सारा का सारा जो उसके पास इंफॉर्मेशन है चारों ओर से हर चीज़ वो पता करेगा, हर चीज़ को वो देखने की कोशिश करेगा कि कोई भी डिसीजन लेते हुए वो ये चेक करेगा कि उसके क्या प्रोज हैं, उसके क्या कॉन्स हैं, उसको क्या नुकसान होएगा, क्या नहीं होएगा, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, और इन सारी चीज़ों को कंसिडर कर कर ही जो है वो एक डिसीजन लेता है कि उसको ऑप्शन ए चूज़ करनी है या ऑप्शन बी. मतलब कि जो प्रॉपर अपना ब्रेन यूज़ करता है, ये नहीं है कि बस जो है ना कुछ भी किसी ने कह दिया हाँ भाई ये तू कर रहा है ना ये, हाँ ठीक है चल भाई मेरे लिए भी खरीद दे, ठीक है. जैसे नॉर्मल आप शेयर मार्केट में आप यूजुअली देखोगे एक टेंडेंसी होती है भाई तूने खरीदे ना इसके शेयर, 100 शेयर खरीद ले तूने, तेरे को लग रहा है ना ठीक है ना कम चल भाई मेरे लिए भी खरीद ले. तो ये जो दूसरा इंसान है जिसने कि अपना तो दिमाग लगाया ही नहीं, वो तो टोटली दूसरे के कहने पे चल रहा है, जो उसने कर दिया बस तुमने उसको मान लिया. तो ये इस पर्सन को रैशनल डिसीजन मेकर या रैशनल इंसान या रैशनल पर्सन नहीं बोलेंगे. रैशनल हम लोग इकोनॉमिक्स में ये मानकर चलते कि हर इंसान रैशनल है, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले वो पहले पूरी तरह सोचता है, समझता है, चारों ओर से सारी इंफॉर्मेशन निकालता है, हर चीज के बारे में जो है बेनिफिट्स डीमेरिट्स मेरिट्स, और उसके बाद देखता है कि उसको ए स्टॉक खरीदना चाहिए या बी स्टॉक खरीदना चाहिए, ठीक है. नाउ वंस रैशनल पीपल इज क्लियर, जो रैशनल पीपल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, तो अब हम लोग आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि रैशनल लोग जो होते हैं जब वो डिसीजन लेते हैं वो हमेशा मार्जिन के ऊपर काम करते हैं, मार्जिन पे जो है वो ऑपरेट करते हैं. नाउ इसका मतलब क्या है, मार्जिन का बच्चों मतलब होता है किसी तरह की एक लिमिट, एक फाइनल आउटर लिमिट, एक थ्रेशोल्ड लिमिट जिसके बाद मतलब कि कुछ उल्टा हो जाएगा, कुछ भी एक बिल्कुल एंड वाला सिचुएशन कि इसके बाद अगर आप और आगे गए ना तो आप बस कुछ उल्टा हो जाएगा. तो अगर सपोज करो आप अगर पानी में जा रहे हो तो पानी में सपोज करो ये पानी है ये आगे नीचे जाके गहरा होता जाएगा, तो अगर आप इसके बाद और गए तो आप नीचे हो सकता है डूब सकते हो. या अगर आप किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हो तो आप चढ़ते जा रहे हो चढ़ते जा रहे हो चढ़ते जा रहे हो चढ़ते जा रहे, अगर आप टिप के ऊपर पहुंच के अगर आप नहीं ध्यान आपने दिया या सपोज यहाँ पे वोल्केनो है तो आप जो है नीचे गिर सकते हो. तो ये जो है ना लिमिट कि जिसके बाद कुछ उल्टा हो जाएगा That is known as a margin. क्योंकि अगर आपने अपनी मदर्स को भी देखा होगा, ठीक है, जब भी वो खाना बनाती हैं तो उनको एग्जैक्ट पता होता है कि कब वो सब्जी बंद करनी है, क्योंकि अगर इसके बाद मैंने गैस पे इस सब्जी को छोड़ दिया तो वो सब्जी जो है खराब हो सकती है, वो जल सकती है, वो घुल सकती है, उसका कलर खत्म हो सकता है, उसकी जो है रंगत खत्म हो जाएगी, उसका जो है टेस्ट खत्म हो जाएगा. तो दैट लिमिट इज नोन एज अ थ्रेशहोल्ड लिमिट, या फिर जिसको कि हम लोग मार्जिन कहते हैं. कि जो लोग सही तरह से डिसीजन लेके काम करते हैं वो हमेशा मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है. तो मार्जिन जो है आपका जो है अपर लिमिट भी हो सकती है, लोअर लिमिट भी हो सकती है, ठीक है, या फिर
आउटर बाउंड्री भी हो सकती है कि जो है हम इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट की बात करो, एक मैं आपको दिखाती हूँ, रुको, ठीक है। जैसे कि अगर आप क्रिकेट की बात करो तो क्रिकेट में इतना बड़ा ये क्रिकेट ग्राउंड है, तो जो बीच में जो बैट्समैन है उसका एम क्या होगा? उसका एम यहाँ पे बॉल डालना नहीं होगा, बैट्समैन को यहाँ पे बॉल डाल के कोई फायदा नहीं होगा, उसका एम होता है इस बाउंड्री को पास करना। तो जो समझदार क्रिकेटर होगा वो हर बॉल में कोशिश करेगा यहाँ पे जाके जो है बॉल को क्रॉस करवाने की। तो ये जो उसका जो बाउंड्री है, ये आउटर लिमिट जो है, ये है उसका टारगेट कि किसी भी तरह से जो मेरी बॉल है वो बाहर चली जाए। हाँ, जिसको खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं, जो कि रैशनल नहीं है, जो सोच समझ के नहीं कर रहा, बस ऐसे टप्पे टप्पे मारे जा रहा, टाइम पास कर रहा है, तो उसको जो है बाउंड्री से कोई मतलब नहीं, वो तो सिर्फ जो है टाइम वेस्ट कर रहा है, वो कहीं पे भी जो है इधर उधर मार सकता है, चाहे वो बाउंड्री पार करे ना पार करे, पार कर गई तो तुक्का है, ठीक है। इसी तरह से जो है मैंने आपको मदर का भी बताया कि मदर जो है वो हमेशा ये सोच के करती है कि मेरी ये सब्जी इसके बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए। या सपोज करो अगर आप किसी प्लेयर के बारे में ही बात कर रहे हो, तो मतलब उसको पता है कि ये सर्कल से अगर मैं जैसे कि आपने चिचोरे मूवी देखी थी, तो उसमें जो लास्ट सीन था सुशांत सिंह राजपूत का, कि जिसमें कि वो जो है कहते हैं ना कि मैं बिल्कुल आउटर फाइव पॉइंटर मारने की कोशिश करता हूँ, कि मैं आउटर बाउंड्री से करूँगा तो मेरे को उतने ही एफर्ट में ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि रैशनल लोगों को ये पता है कि अगर मार्जिन पे काम करते हैं, बिल्कुल एंड पॉइंट पे जाके काम करते हैं, तभी उनको जो है ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जैसे कि अगर हम लोग पहाड़ चढ़ने की बात कर रहे हैं, तो ये अगर आपका पहाड़ है, अगर आप हिमालय चढ़ते हैं या सॉरी एवरेस्ट चढ़ते हैं, तो एक रैशनल इंसान होगा, उसको पता होगा कि यहाँ जाके छोड़ना कोई फ़ायदा नहीं है, अगर मेरे को कुछ बनना है तो मेरे को ऊपर तक चोटी तक जाना ही पड़ेगा, एंड तक जो अपर लिमिट है, ठीक है, उस तक जो है वो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोअर लिमिट की भी बात कर सकते हैं कि शेयर मार्केट में, कि हर इंसान को जो स्टॉक मार्केट में पता है कि इसके बाद जो है ना मैं ये जो लास्ट ये जो शेयर है ना ये मिनिमम पॉइंट है, इसके बाद तो मुझे पता है इसने उठना ही उठना है। तो जब मुझे पता है इसने उठना ही उठना है, तो अगर वो 500 रुपये है तो मैं 500 रुपये पे उस शेयर को नहीं खरीदूंगा, मैं उसको गिरने दूंगा। जब वो 50 रुपये पे रह जाएगा, मुझे मालूम है कि ये इसका लोअर लिमिट है, इसके बाद मैंने यहाँ पे खरीदूंगा तो 50 रुपये पे खरीद के मुझे फायदा होगा, क्योंकि अगर मैं पहले ही 500 रुपये पे खरीद रहा हूं तो मुझे क्या फायदा होगा, मैंने पहले ही इतना महंगा शेयर खरीदा, 500 रुपये के और ऊपर कितना जाएगा, मेरे को बेनिफिट ही तब होगा जब बिल्कुल मैं लोअर लिमिट से खरीदूंगा, जब 50 रुपये पे खरीदूंगा तभी तो वो उसको जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा मेरा प्रॉफिट होता जाएगा। तो यही इसी को कहते हैं रैशनल इंसान, कि जब रैशनल इंसान होता है, जब वो डिसीजन लेता है, तो वो सारी चीजें सोच समझ के लेता है और वो जो है वो काम करने की कोशिश करता है जो कि बिल्कुल एज पे होता है, क्योंकि उसको पता है एज पे काम करने से उसको मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो चलो अब जो है आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एंड कमिंग टू द फोर्थ वन, जो कि ये जो कैटेगरी है हाउ पीपल मेक डिसीजंस, ठीक है, ये जो कैटेगरी है इसमें जो है अगर हमने जो लास्ट वाला हमने कहा था कि 4 है इसमें, बाकी में 3 3 3 3 है, ठीक है, तो ये जो चौथा वाला है पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स, कि लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, वो लोग जो डिसीजंस लेते हैं उनको डिसीजन लेने के लिए कोई वजह चाहिए, कोई रीजन चाहिए, कोई इंसेंटिव चाहिए कि उनको कोई फायदा होगा कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेने से, तभी करेंगे, चाहे उनको अच्छा लगता है। जैसे कि विराट कोहली ने अगर क्रिकेट का डिसीजन लिया तो बिकॉज उनको अच्छा लगता था खेलना, ठीक है, उनको पता था कि मैं जितना अच्छा शायद ये कर सकता हूँ, मैं कुछ और नहीं कर सकता। तो लोग जो है अगर आप उनको कुछ काम करने को कहो तो वो शायद नहीं करेंगे, पर अगर आप उनको एक इंसेंटिव दो कि इसको करने से आपको ये फायदा होगा तो वो जरूर उस काम को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इंसेंटिव्स का मतलब होता है कोई बेनिफिट है, कोई रिवॉर्ड है, कोई रिकग्निशन है, कोई सर्टिफिकेट है। अगर आप बच्चों के बारे में ही बात करो तो तुम बच्चे जो है सिर्फ तभी एग्जाम देते हो जो तुम्हें पता होता है कि हाँ हमको ये एग्जाम देना जरूरी है और इसके बाद हम जो है ना नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। अगर आपको पता है कि बिना मतलब एग्जाम दिए भी आप नेक्स्ट क्लास में चले जाओगे तो आप कोई भी एग्जाम नहीं दोगे। तो आपको जो है ना कुछ भी करने के लिए एक वजह चाहिए,
ठीक है, एग्जाम देने के लिए आपको एक वजह चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम से जो मार्क्स मिलेंगे उससे आपको आगे शायद डिग्री लेने में या आगे हायर एजुकेशन में आपको मदद मिलने वाली है। तो हर चीज के लिए इंसान को डिसीजन लेने के लिए कुछ इंसेंटिव चाहिए होता है। सो पीपल, तो नाउ अब दोबारा से रीड करते हैं कि लोग जो है इंसेंटिव या कोई भी बेनिफिट रिवॉर्ड को रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके हिसाब से जो है वो उनको अच्छा लगता है उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। अगर आप उनको फोर्स करोगे कि नहीं आप ये करो, ठीक है, और उसकी कोई वजह भी नहीं है करने की, उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि हम ये करें क्यों, इसका क्या फायदा, तो आप चाहे जितना मर्जी कानून बनाते रहो वो नहीं करेंगे, वो नहीं मानेंगे। उनको उसका फायदा समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर हेलमेट का है तो गवर्नमेंट चाहे जितना मर्जी का जो है मैंडेटरी कर दे कि हेलमेट पहनो हेलमेट पहनो, लोग नहीं मानेंगे। पर अगर आप उनको समझाओ कि हेलमेट पहनने से आपका क्या फायदा है, तो वो हमेशा उसको जो है उसके हिसाब से चलेंगे, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो वही चीज जो है कंपनी वाले भी ध्यान में रखते हैं कि अगर कंपनी को कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वो हमेशा एडवर्टाइजमेंट में आपको ये नहीं बताते कि बस ये प्रोडक्ट है इतना प्राइस है आप यहाँ से ले लेना। क्यों ले लेना, हमें क्या लेना देना, हम क्यों ले। वो आपको ये बताते हैं कि इससे आपको क्या होगा, कोको कोला तो आपकी बिल्कुल गर्मी की यू नो गर्मी में भी ठंडक का एहसास, और जो ये टैगलाइंस होती हैं, टैगलाइंस का एम क्या होता है, क्योंकि अब आप जो है ना ग्रेजुएशन में आ गए, यू शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दोज टैगलाइंस, कि टैगलाइन में ना हमेशा एक इंसेंटिव छुपा हुआ होता है, ठीक है। टैगलाइन का जो है पर्पस ही यही होता है, जो कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट है उसका जो है टैगलाइन का मतलब ही यही होता है कि उसमें जो है कोई ना कोई इंसेंटिव छुपा होता है, क्योंकि इवन कंपनी वालों को भी पता होता है कि टैगलाइन से में जो जो बेनिफिट आता है वो प्रॉपरली दिखता है। जैसे कैडबरीज का है कुछ मीठा हो जाए तो उनको एक बेनिफिट दिख रहा है कि हाँ कैडबरीज खाने से हमारा मुंह मीठा होता है, हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, इसलिए वो जो उनका प्रोडक्ट है उसका नाम भी उसका सेलिब्रेशंस है। ऐसे ही हर चीज़, जैसे कि मैगी अगर आप नूडल्स बना रहे हो तो उसमें 2 मिनट लिखा होता है, क्योंकि एक बेनिफिट लग रहा है आपको कि अरे यार ये तो फटाफट मेरे को कुछ खाने की चीज़ मिल जाएगी सिर्फ 2 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि लोग जो है कैसे डिसीजंस लेते हैं, और उसमें जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोगों को अगर कोई इंसेंटिव मिले तो वो हमेशा बहुत आसानी से डिसीजंस लेते हैं। तो आई एम क्वाइट श्योर नाउ कि अब जो है ये सारे के सारे जो है आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे। तो इसमें जो ये सारे के सारे जो ये चार हैं, अगर मैं हटा देती हूँ ये सारा जो एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब हटा देती हूँ मैं। तो अब आप खुद देख रहे हो कि ये है जो कि उसके ऊपर है कि हाउ पीपल टेक डिसीजंस। तो सबसे पहला वो ये है कि लोग जब डिसीजन लेते हैं तो उनके सामने हमेशा जो है लेन देन का प्रॉब्लम होता है, कि कुछ भी लेने के लिए उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, दे फेस ट्रेड ऑफ्स, कि ऐसा नहीं है कि फ्री में कुछ मिल जाएगा, सो देर आर नो फ्री लंचेस। सिमिलरली उसके बाद द कॉस्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की जो कॉस्ट है, किसी भी चीज़ के ऊपर जो लागत लग रही है वो क्या चीज़ है, कि वो है जो कि आपको देना पड़ रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, वो सारा कुछ होता है, सिर्फ पैसा ही नहीं, उसके आपकी मेहनत, आपका यू नो एफर्ट और आपके छोटे मोटे खर्चे, या आपने कुछ कहीं और नौकरी छोड़ी है तो उसकी सैलरी, यू नो वो सारा कुछ। थर्ड, जिस बेसिस पे लोग डिसीजन लेते हैं, कि पहली बात तो सारा कुछ रैशनल लोग होने चाहिए, वो सारा कुछ प्रोज एंड कॉन्स समझ के डिसीजन लेते हैं। दूसरा, वो आउटर लिमिट पे ऑपरेट करते हैं, जो अच्छा बहुत जो अच्छे ऑपरेटर्स होते हैं बिल्कुल आउटर लिमिट पे ऑपरेट करते हैं। एंड चौथा जो है कि लोगों को कुछ डिसीजन लेने के लिए कोई इंसेंटिव की ज़रूरत होती है, ऐसे ही नहीं है कि बस आपने कह दिया कि बस ये कर दो तो वो कर देंगे, मतलब उनको कुछ ना कुछ वजह चाहिए कि हम ये काम क्यों करें, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि अब जो है ना आपको थोड़ा बहुत जो है ना इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करने की कोशिश करें और आगे चल के जो है ना इन्हीं चीज़ों को और हम डेवलप करते चले जाएंगे। तो आज के लिए जो है अभी इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट कैटेगरी है कि हाउ पीपल इंटरैक्ट, हम उनके बारे में बात करेंगे। चलो तब तक जो है मेरे वीडियोज़ देखते रहिएगा, एंड मैं जल्दी जो है इनके क्वेश्चंस डालने वाली हूँ। चलिए तब तक, टिल देन बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय योरसेल्फ। ओके बाय।